पहले सुनो। अच्छा ठीक है, हो गया, आई थिंक डन है, आई थिंक इट इज डन। मुझे मुझे भी कर देना मैम अलाउ। हाँ तुम लैपटॉप पे हो क्या, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, कहाँ यस थी। हाँ मैम। एक मिनट। ठीक है अब हम चलते हैं, सिंपल बैलेंसिंग पढ़ानी है इसमें, अगर आप सीख जाओगे तो आराम से खुद से करोगे। ठीक है तो कोई बता सकता है किसने सॉल्व करा, वैसे मैं आपको बताती हूँ इफ यू गो इसमें थ्रू द होगा नोट्स। नहीं मैं आपको और एक बात बताती हूँ, ये नोट्स में सब कुछ है, तो आप नोट्स देख के नहीं बोलो, मुझे सॉल्व करा है तो मैम बोलो। बिना सॉल्व। सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, सॉल्व कर दिया है। ठीक है अच्छा हम भी सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके का हम कोएफिशिएंट आ रहा है। तो तुमने अगर सॉल्व करा है तो मुझे बताओ क्या हो रहा है इसका नेट रिएक्शन बैलेंस वाला, पढ़ो एक बार। MCR 2072 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6I माइनस किस CR 3 प्लस प्लस 3I2 प्लस 7H2O। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी अब इसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे अगर आप इतना एफिशिएंट हो जाओगे तो आपको किसी में डिवाइड भी नहीं करना, अपने आप ही कर लोगे इसे। बट अभी आप सबसे पहले आप काफी दिनों के बाद कर रहे हो तो प्रॉपर करा देंगे। इसके दो हाफ रिएक्शन निकाल देते हैं, ठीक है दो हाफ रिएक्शंस में से कन्वर्ट करते हैं। ये जो है क्रोमियम जो है ये +6 में चला गया है, +3 में, तो ये रिडक्शन हाफ में आएगा। ठीक है और आयोडीन जो है वो आयोडीन -I से 0 में चला गया है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा। तो ले लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ में, जब हम डिवाइड करते हैं तो H+ वगैरह को लेने की जरूरत नहीं होती है, मोस्टली अपने आप ही जुट जाएगा बाद में। तो ऑक्सीडेशन हाफ में मुझे I- को लेनी है और साथ में I2 को लेनी है। ठीक है और रिडक्शन हाफ में मुझे किस किस को लेनी है, इसको लेनी है Cr2O7 2- को, एंड साथ में मुझे Cr3+ को भी लेनी है। अब हम बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहला होता है कि जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम को सेम करा जाता है। तो यहाँ पे आई जो है, यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले मैं यही करूंगी, उसके बाद यहाँ पे इसको बाद में करेंगे, सॉल्व छोड़ो। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है, अगर ऑक्सीजन है बाय चांस कहीं पे, अगर ऑक्सीजन है यहाँ पे इन दोनों में से कहीं पे भी, तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है वाटर मॉलिक्यूल डाल के। ठीक है अच्छा उसके बाद स्टेप क्या होता है, उसके बाद अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम H+ डाल के, क्योंकि मेरा बेसिक एसिडिक मीडियम है, H+ डाल के हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो मुझे उस सब का काम है ही नहीं यहाँ पे, छोड़ दो भूल जाओ उसके बारे में। ठीक है यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होता तो फिर मैं ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल डाल के बैलेंस करती और हाइड्रोजन को बैलेंस करती मीडियम डाल के, बट यहाँ पे कुछ है नहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसका काम खत्म हो गया, जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइनली हम चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डाल के। ठीक है तो अब हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे -2 चार्ज है, ये माइनस है ना, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। ठीक है यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, तो मैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालूंगी और कितना इलेक्ट्रॉन मुझे पुट करनी है, यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देनी है। ठीक है यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देनी है। अब ये रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है, जरूरत नहीं और कुछ। ठीक है अब हम नीचे चलते हैं, बैलेंस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला स्टेप होता है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है उसके नंबर ऑफ एटम सेम करते हैं, तो ये तो क्रोमियम 2 है, तो सबसे पहले मुझे 2 करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है उसके बाद क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन को बैलेंस करती हूँ वाटर मॉलिक्यूल डाल के, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 7H2 डालनी पड़ेगी, ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है खाली ऑक्सीजन को। ठीक है अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करनी है H+ डाल के। हाइड्रोजन कितने हैं, 14, 7 2 14 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 14H+ डालूंगी। क्लियर है ना, हो गया डाल दिया। फाइनली चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन डाल के, दैट्स व्हाई द मेथड नेम इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दिस इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, क्योंकि मैं यहाँ पे आयन भी यूज करती हूँ और साथ में इलेक्ट्रॉन भी यूज करती हूँ बैलेंसिंग के लिए, द प्रोसेस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्लियर है
एंड इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं इसको। तो यहाँ पे फाइनली सब कुछ बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो चुका है। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, तो यहाँ पे कितना चार्ज बन रहा है, माइनस टू है यहाँ पे टोटल इस तरह, और 14 प्लस है तो ये हो गया 12 प्लस चार्ज, प्लस 12 चार्ज हो गया यहाँ पे, माइनस टू एंड प्लस 14 कितना हो गया, प्लस 12 हो गया, ठीक है, हियर प्लस 12 चार्ज। वहां पे कितना चार्ज है, प्लस 6 चार्ज है, प्लस 6 चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डालेंगे और कितना डालेंगे किस साइड इलेक्ट्रॉन डालनी है, लेफ्ट साइड में डालेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों रिएक्शन वन और टू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेव कर दो। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 6 करना पड़ेगा। 6 करने के लिए मुझे पूरे को मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से, सो दैट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और बाकी में भी स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी है, इसमें मुझे कोई चेंज तो करना है नहीं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसको मैं रख देती हूँ जैसे कि तैसे इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ क्या बनेगा, इक्वेशन 1 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो टोटल भी 6i- will give me 3i2 plus 6 electron. इसको मैंने मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो और आपका फाइनल बैलेंस रिएक्शन, ये आपका जो रिएक्शन है वो आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को काट हम इक्वल करते हैं कैंसिल करने के लिए, बिकॉज किसी भी रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा आपको, देखिए देखना मैं प्रेजेंट हुआ होता हुआ, ठीक है, इसे कैंसिल कर लेते हैं और बाकी को ऐड कर लो। क्या बन रहा है, जो आप कितने बताया था वही बन रहा है, ठीक है, Cr2O7 2- plus 14H plus plus 6I- will give me 2 Br3+ plus 3I2 plus 7H2O। ये है मेरा बैलेंस फॉर्म, आपको ऐसे स्केलेटन आधा देके छोड़ देंगे, आप कंप्लीट करोगे और बैलेंस भी करोगे, किसी को डाउट नहीं है, ऑल क्लियर, यस मैम। अच्छा तो बाकी कितना करेंगे, जितना करेंगे, आपको और एक देती हूँ, एक कर लो, बाकी कमिंग क्लास आपको फिर मैं दूसरे परमानेंट में लेके चलूंगी। मैम रेज मत करना प्लीज, लिख लो मैम, मैं इतना सुनने में बिजी होगी कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो लिखो लिखो। सिंपल सिंपल तो सारे कर लोगे आप, मुझे ये करके दिखा दो, सिंपल सिंपल तो आप घर में भी ट्राई कर सकते हो। आपको मैंने बताया था ना, आपको आप ऐसे ऐसे आपको देख रखेंगे लाइक दिस, और साथ में आपको एसिडिक मीडियम भी देंगे, क्योंकि आपका एसिडिक मीडियम में काम चल रहा है, तो एसिडिक मीडियम दे के यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देंगे, मतलब फिर तो ब्लैंक साइड की बात है ये, अब भरोगे कुछ बैलेंस्ड फॉर्म भरोगे आप, तो अभी तो मैं भर देती हूँ इसे और उसके बाद आप बैलेंस कर लो इसे, ठीक है। और 6CO2 जिस तरीके से मैंने आपको बताया है एग्जैक्ट उसी तरीके से आप जाके सॉल्व करो और मुझे बैलेंस्ड फॉर्म बताओ, व्हाट डिड यू गेट द फॉर्म, हाउ डिड यू गेट, कौन सा मिला है आपको, ठीक है बताओ मुझे। अभी आपको मैंने जब पढ़ा दिया है तो अभी नोट मत देखो, बिकॉज आपको जो मैंने पढ़ा दिया है ना, आप लर्न तो बाद में भी कर सकते हो नोट देख के, अभी नोट नहीं देखो, जिस तरीके से मैंने कहा है उस तरीके से सॉल्व खुद करने की कोशिश करो, मेथड सीख जाओ एक बार। प्रथम प्रेजेंट है, प्रथम
यस मैम। यस प्रथम प्रेजेंट है प्रथम। यस मैम। हाँ काफी लेट एंटर करा प्रथम। मैम वो मैं भूल गया, आज वेडनेसडे की थर्सडे। अरे और अटेंडेंस भी मैंने ले लिया है तो कोई बात नहीं। तुम फर्स्ट सेशन में नहीं आए थे, फर्स्ट जो मैंने पढ़ा था। नो मैम उसमें नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगा ना। हाँ देख लेना। नहीं रिकॉर्डिंग तो ठीक। हाँ थोड़ा आना, रेगुलर रहना प्रथम। हाँ रेगुलर रहना, मैं रोज अटेंडेंस लेती हूँ ना तो तुम्हारा एब्सेंट पड़ जाता है। हो रहा है सॉल्व हो रहा है बच्चे। यस अगर आपको सॉल्व करके प्रॉपर आ जाएगा फाइन, आपको फिर आपको ये मेथड ही आप सीख जाओगे तो आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। आया किसी का? इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? अभी तो ये चलेगा है बट स्टिल इसके बाद क्या करें बताओ। दो ऑप्शन है, एक तो सॉलिड है और दूसरा है बायोमॉलिक्यूल्स। मम बायोमॉलिक्यूल। हाँ बायोमॉलिक्यूल्स करा दो। सही में बायोमॉलिक्यूल्स। हाँ बायोलॉजी वाला पोर्शन है जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको थोड़ा। प्रथम बोल रहा है प्रथम मैं सॉलिड करवाऊंगी। अगर तुम रेगुलरली रखोगे ना बिना एब्सेंट करे हुए फिर मैं तुम्हारी बात भी मानूंगी प्रथम, पूरा मानूंगी 100% मानूंगी विद फुल अटेंडेंस। अच्छा ठीक है। सॉलिड मैम। क्या हुआ? सॉलिड्स करवा देना। हाँ 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 मैं वही देख रही हूँ। कोई सा देखो, दो चैप्टर हमारा बचा है। हाँ प्रथम का दिमाग खराब हो गया ऑर्गेनिक से। नहीं हाँ प्रथम मैं बोल रही हूँ प्रथम तुम्हारी बात पूरी मानूंगी, फुल अटेंडेंस मुझे चाहिए आगे से। आज के बाद मैं चेक करूंगी, रोज अगर आएगा तो सॉलिड करेंगे सॉलिड। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो सॉलिड थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है और सॉलिड मैं आपको बता देती हूँ बच्चे। बायोमोलिक्यूल्स भी लंबा है सॉलिड से, दोनों लगभग सेम सेम टाइप के हैं। ये पूरा बायो वाला पोर्शन है आपको अपना लर्न करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा आपको इमेजिन 3D वाला इमेजिनेशन करनी पड़ेगी सॉलिड में। और सॉलिड में एंट्रेंस में बहुत पोर्शन आते हैं सॉलिड में से। हाँ ये मुझे बता रही है अलाउड टू रिकॉर्ड भी करा तो था क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ है अलाउड करा था ना। हाँ हाँ कर दिया है एक मिनट। ठीक है ठीक है। अच्छा तो मुझे किसी ने बताया नहीं विद्या क्या है
6C2O4, 14H+, 8 मिनट, 8 मिनट, नहीं 6 तो नहीं होगा, C2O4 हम 3 होगा, बहुत अच्छा 3 होगा, सॉल्व हो गया, मुझे कोई डिक्टेट कर दो, किसी का अगर सही है तो बता दो। मैम मैं अभी OHR ही कर रहा था। अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ, आप ना चेक कर लो टेलीग्राम, ठीक है, Cr2O7, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है, यहाँ पे आएगा 3, ओके, और यहाँ पे आएगा 14H+, मैं यही बता देती हूँ, 14H+, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्रोमियम एंड देयर, अच्छा 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 मैंने आपको 6 लिख दिया था, ओह माय गॉड, मैंने 6 लिख दिया था यहाँ पे। मैम तभी तो काफी हिंट मिल गया उससे। मैं भूल गई थी, मुझे एक्चुअली मैं वहां से लिख रही हूँ ना, नोट्स लिख रही हूँ। ओहो इससे मेरे को प्रॉब्लम हो गया, तुमको प्रॉब्लम हो गया। मैम मैंने 6 देख के तुरंत बैलेंस कर दिया था। ठीक है देख लो आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है थोड़ा कंफर्टेबिलिटी ले लो, आप आराम से कंफर्टेबिलिटी ले लो, ठीक है, और सॉल्व करो। किसी को दिक्कत नहीं है या किसी को दिक्कत है बैलेंसिंग में, बोलो मुझे, किसी को दिक्कत आ रही है बैलेंसिंग में? यस एनीबॉडी ऑफ यू, या सारे कंफर्टेबल हो? मैं एक बार रिडक्शन वाला बता दीजिए। रिडक्शन हाँ, किसका रिडक्शन हाँ? यस हाँ, ये तो करा हुआ है यहाँ पे, exactly same आएगा ना, C2, Cr2O7 है और Cr3+ है। मैं उसे अच्छा मैम समझ गया, मैंने गलत जगह लिख दिया इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो मैंने अभी नहीं, अगर एक्सप्लेन करना तो मैं कर दूंगी कैसे कराया है, अगर देखना है मैम एक बार और कर दीजिए मैम। अच्छा रिदम क्लियर है, रिदम आदित्य, आदित्य क्लियर? अच्छा कर रही हो तुम, आदित्य का कोई डाउट नहीं है? यस और ऋषिता, ज्योति, जितने बच्चे हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनफैक्ट ये वाला रिएक्शन है, ये वाला क्या डन कराना है क्या, क्या पूरा करवा दूं तो बोलो मैम, यहां पे मैम नीचे वाले से मैम रिडक्शन हो। हां एक मिनट एक मिनट, पहले ज्योति को थोड़ा बोल लेने दो। हां ज्योति बोलो मैम, 14H+ कैसे हुआ इसमें मैम, जो अभी आपने सॉल्व करने के लिए दिया था उसमें? यस मैम, यस मैम, 40H क्यों नहीं हो रहा है क्या, सॉल्व करो ना, यहाँ पे तो 40H+ आया था, ये समझ में आया था नहीं था, ये वाला ज्योति समझ में आ गया था? यस मैम, हाँ 7H2 7H2 जा 14 हो गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, मैं देख लेती हूँ। कैसे हुआ बोल रहे हो? अच्छा सॉल्व किसे करते हैं मैस्टर लोग, कोई बात नहीं, ये मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे मुझे एक बात बताना, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन रहा है बच्चा? +3 है ना, कार्बन +3 पे जा रहा है, यहाँ पे +3 पे जा रहा है, और यहाँ पे जा रहा है +4 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं C2O4 2-, थोड़ा स्पेस दे देना अगर आपको कुछ
बाद में उसमें पुट करनी है तो, और इसमें ले लेते हैं Cr2O7 2 minus एंड थोड़ा स्पेस दे देते हैं Cr3 plus। बाकियों को लिखने की जरूरत आपको नहीं है, दो है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर टू डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन का दो है, मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, आई थिंक ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इजंट इट, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, चार है और चार है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल डालने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं तो बैलेंस क्या करोगे, लिव इट, वो भी स्टॉप हो गया, उसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। सीधे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं, सीधे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देते हैं, आई मीन सॉरी चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन डाल के, माइनस टू है और यहाँ पे जीरो है, तो मुझे यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डालने हैं, इसलिए आपके ऐसा आ गया होगा, देख लो बस ऐसे ही है ना, ठीक है ज्योति। यस मैम, यहाँ तक ठीक है, तो कहाँ पे तुमको डाउट कहाँ पे आ रहा है, बाकी तो ये तो पूरा बनेगा जैसे मैंने वहां पे बनाया था, एग्जैक्टली उसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 14H प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और साथ में इलेक्ट्रॉन बैलेंस। हाँ गॉट इट, यस मैम, मैम हो गया, तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा ऊपर, यस मैम, हाँ हाँ प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व है तो मुझे यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन डालनी है, फिर से पूरे को मल्टीप्लाई करनी है आपको थ्री से, और थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द फाइनल आंसर, थ्री से मल्टीप्लाई कर देना सबको, थ्री से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को एड कर देना फाइनली। किसी को फिर भी दिक्कत है, क्या हुआ प्रथम, आई चैट चैटिंग पे लगा हुआ है प्रथम, कौन से दोस्त के साथ चैटिंग चल रहा है, आदित्य होगा, पक्का आदित्य होगा, नो मैम अंकित से रिकॉर्डिंग्स मांग रहा था, ओह अच्छा अंकित से मांग रहा था, अच्छा 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 अच्छा, पढ़े मतलब पढ़ाई के बारे में चैटिंग हो रही है, यस मैम रिकॉर्डिंग्स की, हाँ ठीक ठीक है, भेज देगा अंकित, भेज देगा, ठीक है, और वैसे भी आप सब दोस्त बन गए हो नहीं, महावीर इनक्लेव और जनकपुरी बच्चे है ना, तो ये दिस इज डन, दिस इज डन, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को अभी, देख लो नो मैम, अब हम छुट्टी करेंगे, ठीक है मैं छुट्टी भी करती हूँ, अच्छा क्योंकि अभी आपको और एक दूंगे तो फिर आप उसमें बहुत टाइम लगाओगे, या ट्राई कर सकते हो तो ट्राई कर लो फटाफट से, फटाफट से नहीं होगा तो अगली क्लास आपको थोड़ा, मैं ये देखो ये जो दे रही हूँ ये टॉपिक सेट किया थोड़ा सा भी, हम इसके ऊपर डायग्रामेट के ऊपर नहीं दे रही हूँ, आपको बैलेंसिंग सिखाने के लिए, जस्ट टू टीच यू बैलेंसिंग मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो फटाफट से ट्राई कर सकते हो तो आप ट्राई कर सकते हो इसे, ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि आपको SO4 2 माइनस यहाँ पे मिला है और एसिडिक मीडियम है, तो अगर आपको एसिड फेट मिला होगा कुछ भी मिला होगा तो ध्यान रहे आप जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ लिखोगे ना तो ये H2O और H+ इसको डिलीट कर देना है, लेना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाद में आ जाएगा, बस आपको इसमें ये पहचान होता है कि हाँ ये एसिडिक मीडियम में काम चल रहा है, तो ये बैलेंस कर सकते हो, इसको आप डिलीट कर सकते हो अभी के लिए, अगर आप स्टार्टिंग रिएक्शन लिखोगे इसको और इसको डिलीट कर देना, बाद में ऑटोमेटिक ये भर जाएंगे, कैन यू ट्राई क्योंकि ये रिएक्शन आप फिर कभी क्लास आपको पढ़ाऊंगी, यही रिएक्शन पढ़ाऊंगी, एक बात करो फिर छुट्टी करेंगे, अभी बच्चे आए नहीं है, आएंगे तो मैं छुट्टी करूंगी।
हो गया। किसी का हो गया है तो मुझे बता सकते हो, मैं लिख दूंगी, बाकी बच्चे भी टैली करा लेंगे। ये एक्चुअली हम पोटेशियम जब परमांगनेट पढ़ेंगे ना, पोटेशियम परमांगनेट कल आपको पढ़ाऊंगी, KMnO4, तो KMnO4 से MnO4 माइनस आएगा, K प्लस और MnO4 माइनस आएगा, दैट इज नोन एज परमांगनेट आयन, दिस इज अ परमांगनेट आयन। तो ये वन ऑफ द प्रिपरेशन है परमांगनेट आयन का, ठीक है। बट ये जो है ये बेसिकली हम उस तरीके से इसे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है, बट ये मेन प्रिपरेशन नहीं है, मेन प्रिपरेशन आपको कल कराऊंगी। ये साइट का और एक प्रिपरेशन भी आप ये यूज कर सकते हो MnO4 परमांगनेट आयन निकालने के लिए, ठीक है। तो दो प्रिपरेशन है इसका, इसमें से ये एक प्रिपरेशन है जो कि साइड प्रिपरेशन है, मतलब उसको ज्यादा उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, और एक जो मेन प्रिपरेशन है वो आपको मैं कल कराऊंगा, ठीक है। आप ये लिख दो आज, अगर हो गया तो परमांगनेट का ये जो प्रिपरेशन है, किसी ने अगर करा तो मुझे इसका स्टोकियोमेट्री बताओ। मैम ये होगा क्या, 2Mn2+5H2O2- + 8H2O gives 2MnO4- + 10SO4 2- + 16H+। बहुत अच्छा, very good। खुद से करा है स्नेहा? हाँ जी मैम। बहुत अच्छा, very good। आप एक बार चेक करा लो, खुद से, मैं वही बोल रही हूँ, खुद से ट्राई करो। नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो स्नेहा का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एंड 2MnO4- + 10SO4 2- + 16H+। आप एक बार टैली करा लो। उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। मानवी आ गया, सनोबर, दीपांशी आ गया बेटा, हिमांशी, ये करेक्ट आपका जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला बैलेंस्ड फॉर्म। हाँ बच्चे आ रहे हैं ना, ठीक है, आ गया, बहुत अच्छा। तो अगर सबका आ गया है, किसी का दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं लीव करूं। अच्छा हाँ ठीक है, आप सब प्रेजेंट हो तो मैं और एक चीज पूछ लेती हूँ आप सबसे। एंट्रेंस के बच्चे प्रेजेंट हो ना? हाँ जी मैम। यस, एंट्रेंस सारे प्रेजेंट हो। मैं एक्चुअली ये सोच रही हूँ कि आज आपका ना कल केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पोर्शन छूट गया था, ठीक है। तो हमने तो अभी तक हल वेलकिन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आज जो केमिकल बॉन्डिंग का पिछला पोर्शन रह गया है उसे हम आज कम्प्लीट कर लेते हैं। आपके 9:30 की जो नॉर्मल क्लास होती है ना, उसमें हम ये बॉन्डिंग ही कर लेते हैं, काफी सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। और 11 के बच्चे भी थोड़ा दे आर सेइंग कि हाँ उनको थोड़ा सा, क्योंकि उनका फिर ना बहुत कुछ अभी उनका पेंडिंग सिलेबस है, अभी बॉन्डिंग के बाद स्टेट सब मैटर करेंगे, रिडॉक्स करेंगे, थर्मो, इक्विलिब्रियम, सब कुछ उनको करना है। तो उनका जो पेंडिंग पड़ा है आज केमिकल बॉन्डिंग में 9:30 बजे करवा दूंगी, ठीक है। ओजस मैम जल्दी थोड़ा, 8 बजे तक नहीं शुरू पाएगा क्लास? मैं तो आपको लिखा था मैंने कि 8 बजे है, बट बहुत बच्चों ने, सनोबर को भी दिक्कत होती है, उसकी बायो की क्लास होती है, ठीक है। और एक बच्चे कोई दिक्कत नहीं मैम, कर लीजिए मैम। हाँ वही सोच रही हूँ मैं, तो 9 बजे भी चाहती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो जल्दी काम खत्म। 9 भी ठीक ही है मैम, 10:30 तक मैम, अगर
क्योंकि अगर हम 10:30 तक हो जाते हैं तो मैम मेरे लिए काफी अच्छा बहुत है। अच्छा नहीं आज तो कुछ लिखवाना नहीं है मुझे आंसर्स, मुझे सीधा डाउट क्लियरिंग करनी है आज, हो जाएगा जल्दी, एक घंटे में हो जाएगा। मैम मैंने वो वाला पेपर दे दिया था वैसे, जो दिया था ना वो मैंने कर दिया था। हाँ ठीक है ठीक है, आंसर्स ही लिखना, लिखा तक नहीं था आंसर्स। अच्छा अच्छा कौन सी पेपर की बात कर रहे हो तुम मैम, जिसकी आप कल डाउट क्लियरिंग दे रहे थे, जो मैंने कल नहीं करा था। तुमने नहीं करा था, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, देखते हैं। मैं 9:30 तक क्लास स्टार्ट कर दूंगी और मैं एक घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगी नहीं, तो मुझे कुछ काम है, एक घंटे में खत्म करूंगी ठीक है। और हेलो एलकेन का जो, हाँ चलेगा ठीक है, और हेलो एलकेन का जो है फिर नेक्स्ट हम लेते हैं कल, नहीं तो परसों जैसे नॉर्मल क्लास में उस तरीके से ले सकते हैं ठीक है। ओके तो मिलते हैं फिर, मैं छुट्टी कर रही हूँ बच्चे, किसी को डाउट नहीं है, मैं छुट्टी कर रही हूँ कल।